नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिलन एशिया टेलीकॉम की तरफ से। आज मैं मेरा एमएमसी क्लास के स्टूडेंट के साथ हूं। आज इन लोगों का आठवां दिन है ना। तो आज हमारे पास एक लिनोवो A6000 मॉडल है, जिसमें क्या है कि प्रिंट उखड़ गई है, पेस्टेड आईसी किसी ने प्रिंट उखड़ा है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये प्रिंट उखड़ा है। तो ये किसका प्रिंट उखड़ा है? इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? रैम का प्रिंट उखड़ा है ना? ऐसा तो इसके बिना क्या मोबाइल चालू होगा? नहीं होगा। तो हम इसको क्या करेंगे? माइक्रो जम्पर करेंगे। और यहाँ पे हम ईएफआई के साथ क्या कर रहे हैं? प्रोग्रामिंग। इसकी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, जो लिनोवो A6000 की एमएमसी की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो आपका नाम बताइए और कहाँ से है? प्रेमकांत सर, मेरा नाम आगरा से हूँ। आगरा से हो, ठीक है। तो आप ये माइक्रो जम्पर करके दिखाएंगे मुझे? जी सर। ठीक है, आप करिए। कैसे होता है माइक्रो जम्पर? तो आपका आपका नाम और आप? मेरा नाम हेमेंद्र है। हाँ, और कहाँ से आए हैं? मैं गुना से आया हूँ। गुना से। और एमएमसी क्लास करके आपको कैसा लगा? एमएमसी क्लास करके सर मुझे बॉक्सों की नॉलेज हो गई, जो ईएफआई और जीटेक में जो अंतर है वो दिख गया, उसमें इजी ट्रिक्स की मुझे नॉलेज हो गई है, क्या क्या ट्रिक्स है, मैं क्या कर सकता हूँ, न्यू एमएमसी कैसे अपग्रेड कर सकता हूँ, ये सारी नॉलेज हो गई है। ठीक है, तो तुम्हारा नाम? मेरा नाम सर शिवम अग्रवाल है, मैं आगरा यूपी वेस्ट द सिटी ऑफ ताज से हूँ। तो ये बताओ, तुमने एशिया टेलीकॉम की एमएमसी क्लास क्यों ज्वाइन किया? सर, एशिया टेलीकॉम की जो एमएमसी क्लास है ना, उसमें सारी चीजें सर लाइव प्रैक्टिकल दिखाई जाती हैं और सारी चीजें करके दिखाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको दिखा दिए, नोट डाउन करा दिए, बस यहाँ सारी चीजें प्रैक्टिकल होती हैं इसलिए। और कैसा लगा यहाँ? सर बहुत अच्छा लगा, इतनी इजी सी ट्रिक मिली है ना, काफी चीजें आसान हो गई। जिन चीजों में 2-2 घंटे लगेंगे वो हम 2-2 मिनट चुटकियों में काम कर लेंगे। तो आपने यहाँ रीबॉल कितने घंटे में सीखे हैं? सर, रिवॉल्विंग स्टार्टिंग को टाइम लगा था, बट मैं मैक्सिमम 15 से 20 मिनट पूरी आईसी निकाल के रिवॉल्व करके पंच कर सकता हूँ। डुअल आईसी वगैरह सब निकाल सकते हैं? डुअल आईसी निकाल सकते हैं सर, अभी उसी पे काम कर रहे हैं। ठीक है, दिखाओ सर। अभी क्या कर रहे हो? सर, ये इसका सीपीयू है, सैमसंग का जानो, उसको हम रिवॉल्व करेंगे, उसके बाद उसको पंच करेंगे, उसके बाद ये इसकी रैम है, रैम को साफ करके रिवॉल्व करके इसको भी पंच करेंगे, हैंडसेट को ऑन करेंगे। ठीक है। तो आप बताए, आप कहाँ से हो? पंजाब। पंजाब से हो, ठीक है सर। यह मुझे बताओ कि यहाँ आपको क्या क्या सीखने मिला यहाँ? ऑलमोस्ट सभी को सीख लिया, जैसे बोलते हैं प्रोग्रामिंग, ईएमसी की प्रोग्रामिंग, उसका आईसी उतारना लगाना, पावर आईसी, सीपीयू और ड्यूल सीपीयू, सभी को। सर कैसा लगा यहाँ, फील कैसा हुआ? सर इसके ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं MIQ में? क्या कर रहे हैं आप? टेस्ट का EMC उतार रहे हैं। ठीक है, आप कहाँ से आए हैं? झारखंड से। झारखंड से, तो कैसा लगा यहाँ एमएमसी क्लास ज्वाइन करके? बहुत अच्छा। वो कुछ सीखने को लिए मिला? बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। यहाँ सर कैसा पढ़ाते हैं? सर आप ही पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, ठीक है। और आप? सर कानपुर से। कानपुर से। आपका नाम? आशीष त्रिपाठी। आशीष त्रिपाठी जी। और कैसा लगा यहाँ, और एक्सपीरियंस थोड़ा बताइए कि कैसा लगा? बहुत जबरदस्त लगा, यहाँ की टेक्निक जो है वो बहुत जबरदस्त है, हर एक चीज में आपको एक अलग टेक्निक मिलेगी, वो भी आपकी बहुत कामयाब होगी। ठीक है सर, यहाँ पर तो आप अभी सीपीयू वगैरह जो लगा सकते हैं? ये अभी फुल चार्जिंग पे चलता है, इसको चालू किया है, ये इसका पावर निकाला है, हमारी बात यही आईसी है, इसको निकाला है, फिर उसको रिवॉल्व करके फिर लगाया, फिर चालू हो गया ये। ठीक है, चलो। तो आप एंड्रॉइड की भी सीपीयू उतार सकते हैं, जो चाहे पेस्टेड हो, नॉन पेस्टेड, कोई भी सर, कोई भी। ठीक है, पेस्टेड नॉन पेस्टेड कोई भी आएगा, सब निकाल देंगे। तो आप बताइए कहाँ से आए हैं? मैं अरुणाचल प्रदेश से आया हूँ। अरुणाचल प्रदेश से। अच्छा, नाम क्या आपका? मेरा नाम विनय कुमार साहनी। अच्छा, आप कितने दिन से काम कर रहे हैं? मैं 2 साल जैसा काम कर रहे हैं। तो 2 साल में ऐसा क्या नहीं मिला क्या यहाँ आने के लिए, यहाँ आने पड़ा? सर मुझे पहले तो मैंने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यहाँ से किया है, जो मुझे कंपोनेंट का बिल्कुल ही नॉलेज नहीं था, उसके बाद मैंने EMCG यहाँ कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ अभी करने के बाद मुझे तो पहले आईसी
उठाने में भी डर लगता था, लेकिन अब मैं रिवॉल्विंग करके आईसी को कैसे डाइसी मैंने अभी निकाला है, उसको मैंने रिवॉल्विंग किया है और मैं अभी इसको बैठाने जा रहा हूँ। अच्छा, मुझे अब पेस्टेड आईसी भी निकालना, डर नहीं लगता? कोई डर नहीं सर। और निकाल के लगा के चालू भी किए हो यहाँ? हाँ, प्रोग्रामिंग करके हमने चालू भी किया है यहाँ पे। ठीक, तो आप कहाँ से आए हैं? हैदराबाद से। हैदराबाद? हैदराबाद। हैदराबाद, हैदराबाद। अच्छा, नाम क्या आपका? सभाजी। सभाजी। अच्छा, आप कितने साल से काम कर रहे हैं? फ्रेशर हो। तो आप यहाँ वहाँ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की क्लास भी किए और यहाँ बहुत नॉलेज और यहाँ एमएमसी का क्लास भी किए, तो कैसा लगा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। और आप? सर, मैं नेपाल से। नेपाल से? बिकी रहा। बिकी। और नेपाल से भाई कैसे लगा यहाँ? मजा आया सर। मजा आया। अच्छा, खुद से पेट चालू किए हो यहाँ? हाँ सर, किए। ठीक है, चलो। आप सब ने तो बहुत दिन से काम किए हो, बहुत सालों से काम किए होगे, तो ऐसा कुछ लगा कि कमी था अपने अंदर, यहाँ क्या हुआ? अच्छा, तो आप यहाँ कितने साल से काम कर रहे हैं, थोड़ा बताइए। तो 4 साल से काम कर रहा हूँ। 4 साल से आप काम कर रहे हैं? से काम कर रहा हूँ, बाकी सॉफ्टवेयर का काम करता था, हार्डवेयर का बिल्कुल नॉलेज नहीं था। सर के पास हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की क्लास की, हार्डवेयर के एक एक चीज की नॉलेज मिली मुझे, फिर उसके बाद मैंने सर के पास ईएमएमसी की क्लास की, उसमें तो इतनी ट्रिक्स मिली है। तो अभी मेरे को 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, तो अब भी यहाँ पे आके ऐसा लगा कि वो सारा 6 साल का एक्सपीरियंस जीरो है। तो मतलब वही सारी चीज जब आपने यहाँ पे सीखी, तो आप अगर यही चीज 6 साल पहले सीख लेते हो तो क्या होता? तो बहुत कुछ हो जाता सर यहाँ पर, मतलब कुछ अलग लेवल में बैठे रहते थे। अलग लेवल में बैठे रहते हैं। कि आप लंदन से यहाँ कैसे डायरेक्ट इंडिया में, वो भी जबलपुर में, बताइए। मेरे को वहाँ पे कोई इतना 1 महीने में कोई मिलना है, मेरे को 1.5 महीने का छुट्टी है, तो ये वही सब आप बाबा चले जाएंगे? चले जाएगा, तो फिर मेरे को 1 महीने के अंदर कोई नहीं सिखाने वाला है, तो यहाँ एशिया टेलीकॉम सिखा रहा है। मतलब ऐसा तो नहीं कि हम आपको पैसे दे रहे हो? नहीं सर, पैसे वाली बात नहीं है, मेरी भी दुकानदारी होगी सर। 10 साल हो गए मेरे को भी, अब जब कहीं मेरे पास कुछ भी नहीं आता था बनाना, लाइट सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन, मैं देखते ही रहता था, वैसे ही अपना काम दूसरे मोबाइल वालों के पास लेके जाता था काम कराने के लिए, वहाँ पे भी टाइम लगता था। आप दूसरे की दुकान पे टाइम लगाने के अच्छे आप यहाँ भी आके टाइम 1 महीना आप लगाओगे तो आप अपनी लाइफ में कामयाब हो जाओगे। सर जैसा सोचा था उससे भी बढ़कर मिला यहाँ पर आने पर, बहुत अच्छा अच्छा सिखाया गया है यहाँ पर, जो वीडियो देखते थे उससे भी अच्छा सिखाया गया है। तो ऐसा तो नहीं कि आपने जो रिव्यू देखा वो फेक हो? नहीं नहीं, ये तो नहीं। दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे। तो इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू वेरी मच। बच्चे लोग से आप जब सवाल करते थे और जब वो बोलते थे तो ऐसा फील होता था कि वो दिल से बोल रहे हैं, ना कि फेक। वो एहसास हो जाता है सर कि बच्चे लोग को देख के लग जाता है कि हाँ ये जेन्युइन है, जो भी लोग आउटपुट है, जो भी बोल रहे हो वो दिल से, तो वो सर टच हुआ सर। मतलब कि सीधी सी बात है, एक छोटी सी बात कहूंगा कि सर पीसीबी जो होती है ना, हमारे मदरबोर्ड जो होता है मोबाइल का, उसको देखने का नजरिया चेंज है। हाँ बिल्कुल सीरियसली, इसको अब वो चीजें नहीं रही कि मतलब कि ऐसे बाय लक चल गया तो चल गया ना, वो चीज नहीं है। अब कंफर्म हम काम कर सकते हैं और जो फॉल्ट आएगा पर्टिकुलर सेक्शन पे वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल पर्टिकुलर सेक्शन पे है। पहले तो ऐसे मतलब कि सेक्शन कोई सेक्शन में प्रॉब्लम है और ढूंढ के ही रहे हैं, सही बात पता नहीं चलता। मतलब हमारे पास कोई डेड मोबाइल आया तो हम यही सोचते थे कि क्या करें, कहां से शुरू करें, तरीका नहीं पता सर, वे नहीं पता था, अब रास्ता पता चल गया कि प्रॉपर वे क्या है। अभी किसी ने भी मतलब कि अगर अपना सॉरी मिराकल वगैरह में जितने भी क्रेडिट चाहिए या उसको अपडेशन करानी है वो मेरे से भी करवा सकता है, और हमें तो सर्वर भी मिल गया। तो अच्छा टेक्नीशियन लोग तो उनको अपने रिक्वेस्ट भेजते थे कि यार कुछ तो हमको भी सपोर्ट कर दे, तो ऐसा लगता है हम सपोर्ट करेंगे उनको। आपने इवन नेपाल के स्टूडेंट के रिव्यू देखे होंगे? तो मैं यहाँ पे गए हुए जो 2-3 स्टूडेंट थे उनसे बात भी किया मैंने, कैसा है क्या है, नॉलेज लिया मैंने। हाँ वो बोलते थे अच्छा है, हाँ जाओ तो सब कुछ बना लोगी। अच्छा देते थे तो लगता था एक हिसाब से, हाँ वीडियो देख के नॉलेज लेते। इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? और अब
आपके में कितना अंतर है? बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। अभी नेक्स्ट सेट कौन सा था आया था सर, रिपेयर करो तो रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस, रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस। सो इसमें और ये भी है कि बिना कोई पैड निकाले, बिना कुछ किए हम उसको निकाल के आईसी को रिवॉल्व करके चेंज करके भी कर सकते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्या कर रहे हैं अभी आप? सर इसका ईएमएमसी और सीपीयू निकाल करके दोबारा लगाया, दोबारा लगा और मुझे अच्छा लगा कि आया पर रिजल्ट मिल रहा है लोगों का। हर फीडबैक वीडियो में फॉलो करता था, हर चीज में देखता था, उसके बाद सर मैं यहाँ पर आया, मेरे को पता लगा जो इंस्टीट्यूट 6 महीने 7 महीने साल में नहीं सीखा पाते वो यहाँ 2 दिन की डेमो क्लास में सीख लिया। चैनल फॉलो करने मतलब हम बोले सर ने हमें पैसे नहीं दिए हैं, बोले मेरा दिल उड़ रहा है मतलब हाँ, क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा अटक चुके हैं, मतलब ये भी बोलते हाँ हमें बोलना है कहीं मेरे लिए बोलना, ये जो हम बोल रहे हैं हम खुद का बोल रहे हैं, हमें प्रेशर नहीं है कि नहीं हमें बोलना नहीं है, बोलना नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे बोलेंगे, मतलब हमें ऐसा फील हमें लगा हम कोई भी काम कर सकते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि कोई अच्छा रहा चुना जाए, तो मैंने फिर नेपाल यहाँ पे आया, पिछले दिन टेलीकॉम को चुना। तो आप सर 100% सर्टिफाइड है, अब यहाँ से जाकर सर मैं बिल्कुल काम कर सकता हूँ और हर एक फाइल को फॉलो कर सकता हूँ सर। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक अच्छा सा स्वाद आ सकता हूँ, उसमें अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ, आगे चल के मेरा हो सका तो मैं अच्छा सा हो सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कर दूँ तो मैं हर एक फाइल को फॉलो कर सकता हूँ। यहाँ पे आने के बाद वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि मतलब कुछ है, हाँ कुछ कर सकते हैं अपन। हमारा भी पहला दिन था सर, हमने भी पूछा था तो हमको भी लगा यार, तो हमको भी कुछ नहीं समझ लगी इसके अंदर। हाँ एक बार जैसे आप क्लास में हो गए आपको लग जाएगा जितना काम किया है वो कुछ नहीं था। और जो मैंने अच्छा ये सर सुना ये सर ये सारी चीज हमने फिर सुनी कल, जो कल नए बच्चे जो आए थे। अच्छा मेरे को यहाँ पे सबसे बढ़िया ये लगा सर कि पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, स्टूडेंट के साथ में मतलब ना पेन कॉपी कुछ नहीं है, ओनली फॉर प्रैक्टिकल है सारे। सर मैं काफी दिन से आपकी वीडियो देख रहा था और मैंने देखा कि यहाँ पर काम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं और मैंने और भी स्टूडेंट का रिव्यू लिया और मैंने यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं और सभी जो स्टूडेंट थे बाकी बैच के उनसे भी बात आपके बारे में पूछा, तो उन्होंने सबने बोला कि हाँ यहाँ पर बहुत बेस्ट सिखाते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आने के लिए तैयार भी हो गया और आया और मैंने देखा कि जो मैंने सोचा था उससे मुझे ज्यादा ही मिला। वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला मैकेनिक नहीं होता है, जिसका वो अंदर का ट्रैक उसका सप्लाई ट्रेसिंग उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, वो जो इधर आके सीखा जो इधर आके सीखना सीख सकता है। इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? And also 9001 and 2845 Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. An ISO 9001 and 2835 Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.